नमस्कार, मैं पूर्वा, आप देख रहे हैं इंडी न्यूज़। मालवीय नगर की ये सीट, और यहाँ से आपके लगातार तीसरे बार कैंडिडेट सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं। दो बार आप सीट निकाल चुके हैं, इस बार फिर आम आदमी पार्टी ने भरोसा किया है आप पे। कैसा महसूस हो रहा है, 8 को चुनाव है? देखिए, मैं तो चूंकि पूरे 5 साल जब मैं IIT में था तो मेरा एक हैबिट था कि पूरे साल पढ़ो और एग्जाम की रात को मूवी देख के आओ, ठीक है। वही चीज मैंने प्रैक्टिस किया है यहाँ पे। पूरे पाँच साल मैंने काम किया है और काम दबा के किया है, और इतना काम किया है कि आज जनता खुद ही आ रही है। ऐसा नहीं कि सारे समस्याओं का समाधान हो गया है, समस्याएं बची हैं, इसीलिए हमको दोबारा आना है और दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। कहने वाले कहते रहे स्मार्ट सिटी बनाते हैं, लेकिन बनाएंगे हम। आज क्षेत्र की जनता इतनी ज़्यादा सपोर्ट में है, मैं बता नहीं सकता आपको। वो खुद ही आते हैं, आगे बढ़ बढ़ के आ रहे हैं कि जी आज जिस तरह से आपने 5 साल काम किया है, एक बार हम काम करेंगे आपके लिए। तो एक बार 8 तारीख को वो काम करेंगे, फिर 5 साल की मेरी सेवा उनके लिए। सोमनाथ भारती वापस आते हैं सीट पे, जनता के लिए क्या क्या लेकर आएंगे? बहुत कुछ। एक लाइन में तो ये है कि जी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र को मुझे एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी बनाना है, उसका हमने फाउंडेशन रखा है पिछले 5 साल में, अब आगे काम करना है। मैं चाहता हूँ, मेरा लालच ये है, मैं IIT का हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को लॉयर हूँ, मेरा एक ही लालच है। बाकी नेताओं का लालच पैसा हो सकता है, भाजपा का नेता का लालच पैसा हो सकता है, कांग्रेस का नेता का लालच पैसा हो सकता है, लेकिन मैं इस भाव से आया हूँ कि जी एक बार मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र मॉडल कंस्टिट्यूंसी बन जाए तो पूरी दुनिया देखने आए कि कैसा बनाया सोमनाथ भारती ने सड़क, कैसी बनाई है पार्क, कैसा बनाया पार्किंग, कैसे सुरक्षा के यहाँ पे प्रबंध है। वो लालच है मुझे कि एक ऐसा मेरे साथ जुड़े, मेरे नाम के साथ, कि सोमनाथ भारती कर सका इसको यहाँ पे, तो दुनिया इसको फिर बेंचमार्क मान करके फिर बाकी यात्रा तय करे बाकी लोग। जो एडुकेशन की स्कीम्स जो लेकर आई आम आदमी पार्टी, उसको जगह जगह लोग अपना रहे हैं, आगे एडुकेशन पे और सीवर की समस्या यहाँ बहुत बड़ी है अभी भी, उस पर आप कैसे काम करना चाहते हैं? देखिए, क्या है कि जो पिछली सरकारें रहीं, इस बार मैंने अपने क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर का सीवर लाइन रिप्लेस किया, 37 किलोमीटर का हमने पानी का लाइन रिप्लेस किया। तो मुझे लगता है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये समस्या छोटी नहीं है, हर जगह काम हो रहा है। 2013 में मेरे यहाँ गंदे पानी की समस्या थी करीब करीब हर गली में, हर ब्लॉक के अंदर। आज एक आध जगह छोड़ करके बाकी सारा मैंने ठीक कर दिया, और आगे हाइड्रोलिक मॉडलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। सीवेज लाइन के ऊपर मैंने STP लगानी है, चूँकि जो सीवेज का वाटर है उसको कन्वर्ट करके मैं क्षेत्र के अंदर ही नॉन पोर्टेबल यूज़ में उसको इस्तेमाल कर लूँ। तो ये काम बड़ा है, साइंटिफिक तरीके से काम कर रहा हूँ मैं। जो पिछली सरकारें रहीं, सीवेज के अंदर ही पानी का पाइपलाइन था, ये कौन सी इंजीनियरिंग थी, तो मुझे कोई समझा दे। देखिए, ये भाजपा की निराशा है, भाजपा की हताशा है, दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसी पार्टी जिसको इस देश ने 2 बार केंद्र सौंपा, आज उसके पास मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है पार्टी, है क्या दिशा देगी सरकार को ये? आज हर तरफ अगर बोलबाला है तो केजरीवाल सरकार का बोलबाला है, क्योंकि ये केजरीवाल सरकार ही है जो कि कहती है कि हम तो अच्छी शिक्षा देंगे, हम तो स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, हम तो मोहल्ला क्लिनिक लेके आएंगे, हम तो माताओं बुजुर्गों को ले जाएंगे तीर्थ यात्रा पे, हम तो सबसे सस्ती बिजली देंगे, मुफ्त की बिजली देंगे, और सब करने के बावजूद भी इन्हीं का विभाग है CAG जिसने कि हमें सर्टिफिकेट दिया कि 500 साल सरकार प्रॉफिट में रही इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने इतने सारे फ्री स्कीम्स दिए। तो मुझे बहुत भरोसा है, ये दिल्ली है, दिल्ली काम वालों की, दिल्ली दिल वालों की। फ्री स्कीम्स की बात हो गई है, महिला है हमारे साथ, फ्री बस यात्रा और महिला सुरक्षा को लेके कैसा महसूस करती है? देखिए, जब से आम आदमी सरकार आई है और महिलाओं ने अपनी सुरक्षा आम आदमी के हाथ में सौंप दी हुई है, और जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में महिलाओं के लिए सारी बसें फ्री हो गई हैं, उससे क्या हो गया है कि महिलाओं का अपना जो डर था अंदर से कि रात रात भर महिलाएं बाहर निकलती थी, उनको कहीं इमरजेंसी पड़ जाती थी, कहीं जाना पड़ जाता था, तो वो सोचती थी कि कैसे जाएं, कैब में जाएंगे, ड्राइवर सही होगा या नहीं होगा, या कोई चीज़ और कन्वेंस लेंगे, पता नहीं वो हमें कहाँ ले जाएगा हॉस्पिटल की जगह। लेकिन जब से बसेज आई हैं, बसेज के अंदर महिलाएं इतनी सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं कि आम आदमी सरकार ने जो काम किया उनकी तारीफ करना, मतलब मैं क्या बताऊं कि हम, हमारे मुंह से स्पीचलेस हो चुके हैं हम लोग। 70 में से कितनी सीट है, इतना जन समर्थन? 70 में 70, क्योंकि दिल्ली ने फैसला कर लिया है, दिल्ली इस बार नेगेटिव पॉलिटिक्स को हराएगी, हम कर रहे पॉजिटिव पॉलिटिक्स, भाजपा कर रहे नेगेटिव पॉलिटिक्स, कांग्रेस तो सीन में ही नहीं है। तो ये भाजपा की नेगेटिव पॉलिटिक्स जनता हराएगी इस बार,
काम को जनता वोट देगी, क्योंकि जनता जानती है अगर हम काम को वोट नहीं देंगे तो कोई नेता काम नहीं करेगा। फिर काम को वोट मिलेगा तो मुख्यमंत्री भी काम करेंगे, पार्टियां भी सीखेंगी, एमएलए भी सीखेगा, सब सीखेगा कि भाई काम करना चाहिए। काम की राजनीति को दिल्ली वोट दे करके पूरे देश में ये मैसेज भेजना चाहती है कि हर नेता काम पर लगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।